Assalamualaikum guys and welcome back to my channel। I hope that you are all fine and doing great in your lives। तो आज मैं लेके आ गई हूँ शहज़िल कुकिंग एंड व्लॉग्स में एक और बहुत अच्छी और बहुत ही अमेजिंग अफेक्टिव रेमेडी ब्यूटी व्लॉग के उसके से। तो हम बनाएंगे आज, बताने से पहले यही कहूँगी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो इसको आपने थम्स अप ज़रूर देना। ओके, तो आज हम बनाने वाले हैं बॉडी स्क्रब और बॉडी बटर। जैसे कि आपको पता है कि बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। बॉडी बटर हमारी बॉडी को देर तक मॉइस्चराइज रखेगा और जो हमारा दूसरा बॉडी स्क्रब है वो हमारी बॉडी को एक्सफोलिएट करेगा और जो डेड स्किन आ जाती है हमारी बॉडी के ऊपर जिससे हमारी बॉडी बहुत ड्राई और पैची सी लगती है वो नहीं लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम जो है बॉडी स्क्रब बनाएंगे क्योंकि बॉडी स्क्रब में हमारे जो है सिर्फ 2 to 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लेना है, ठीक है, एक कंटेनर लेना है क्लीन। और यहाँ पर जो है मैंने 2 टीस्पून्स ऑफ ब्राउन शुगर का लिए है और 1 टीस्पून ऑफ कॉफ़ी लेनी है हमने, ठीक है। आप कॉफ़ी की क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं, इसलिए जो है 2 टीस्पून ब्राउन शुगर और 1 टीस्पून कॉफ़ी। ऑलराइट, तो जो है हम इसको बनाते हैं। ये इस तरह के मैंने दोनों मिक्स करके ही रख लिए हैं ताकि इजी हो जाए, ठीक है। आप क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, अगर आप एक दफ़ा कम बनाना चाहते हैं तो आप कम बना सकते हैं और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ये भी आपकी मर्ज़ी है। अब हमने जो है कोकोनट ऑयल लेना है। हमें इतना ज़्यादा कोकोनट ऑयल नहीं चाहिए, हम जो है अंदाज़े से डालेंगे, मतलब अभी मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। हमें इसकी जो है उस पर पता चलेगा कि इसकी कंसिस्टेंसी और वो सब कुछ कैसा है। तो ये सारा तो उसमें डल ही जाएगा। कोकोनट ऑयल इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर योर बॉडी, टू हाइड्रेट योर बॉडी, टू मॉइस्चराइज़ योर बॉडी, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा होगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने जो है कोकोनट ऑयल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आपने कोकोनट ऑयल जो है इतना डालना है कि इसकी क्वांटिटी नहीं, ये कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है। ये आपका बॉडी स्क्रब है, ये आपकी बॉडी को एक्सफोलिएट करेगा, डेड स्किन को रिमूव करेगा। ये बिल्कुल जो है इस तरह का ही होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को एक्सफोलिएट कर सके, राइट। तो ये इस तरह से होना चाहिए। ये आपने लगाना है 2 मिनट्स तक एंड देन यू कैन रिमूव इट, राइट। सो गाइज़, हमारा जो बॉडी स्क्रब है वो बिल्कुल रेडी है और ये बिल्कुल जो है होममेड नहीं लग रहा। ये ऐसे लग रहा है जैसे मैंने मार्केट से लिया है। ये बहुत ही अच्छा कॉफ़ी स्क्रब है, यूज़ कर देख लेना। आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसको यूज़ करना आपने ज़रूर है। ऑलराइट, सो ये हमारा एक बॉडी स्क्रब रेडी हो गया, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से बंद कर देना है और साइड पे रख देना है। सो अब हमने बना लेना है अपना, क्या बनाएंगे हम, बॉडी लोशन। बॉडी लोशन कहें या बॉडी बटर कहें, असल तो ये बॉडी बटर है। तो अगर ये स्क्रब अच्छा लगा हो ना, आज पता नहीं क्या हो गया, अगर ये स्क्रब अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर आपने लाइक करना, ओके। सो आज हम बनाएंगे, ठीक है, बॉडी बटर। बॉडी बटर जल्दी से बना लेते हैं हम। बॉडी बटर के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं, अगेन आमंड ऑयल। मैंने अपनी पिछली कोल्ड क्रीम में भी इसको डाला था, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिला था। आमंड ऑयल बहुत थोड़ा सा डलता है और बहुत ही कोई अच्छा है। अगर स्टिल अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं ऑलिव ऑयल। एज आई हैव सेड एवरी टाइम कि अगर आमंड ऑयल ना हो तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा अ लिटिल बिट कंटेनर, ठीक है। आपको एक कंटेनर चाहिए इस तरह का जो थोड़ा डीप और फैशनेबल सा लगे, कैसे ना लगे कि आपने होममेड बनाया है। विटामिन ई का कैप्सूल और आपका कोई भी फेवरेट बॉडी लोशन। यहाँ पर मैं ये ई क्लैड का वी मैटर कोकोआ बटर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि इसके अंदर प्योर कोकोआ बटर है और ये मैंने लिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, सो आई एम यूजिंग दैट। ओके, तो हम जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। सो इस तरह की आपने ले लेनी है कंटेनर। सबसे पहले पहला काम जो हमने करना है अपना बनाने के लिए वो ये है कि हमें डाल देना है एलोवेरा मार्केट वाला। कितना डालना है आपको जितना बनाना हो, ठीक है। अगर आप मेरे साथ बना रहे हैं तो आप 1 टेबल स्पून डाल दें। तो मैं अंदाजे से 1 टेबल स्पून डाल देती हूँ, ठीक है। 1 टेबल स्पून ये हमने डाल दिया। हमारा बॉडी बटर के लिए हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने डाला है यहाँ पे एलोवेरा जेल, जो कि मार्केट वाला होता है। फ्रेश यूज़ करेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा, तो आपने ये वाला यूज़ कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमने डाल देना है यहाँ पे अपना मॉइस्चराइज़र, कोई सा भी जो भी आप यूज़ करते हो। ये आपने 1 टीस्पून डालना है, ठीक है। अब ये नहीं सोचना कि जो है बॉडी बटर और बॉडी स्क्रब हम दोनों सर्दियों में लगाते हैं, ये गर्मियों में भी लगाना भी इम्पॉर्टेंट होता है आपकी स्किन के लिए। तो ये 1 टीस्पून मैंने डाल दी अंदर इस तरीके से। फिर हमने जो है ये लेकर इसके अंदर डाल देना है विटामिन ई का पूरा कैप्सूल। अगर आपका बहुत बड़ा है तो मतलब आप थोड़ा सा डालें। सो ये मैंने पिक इसको इस तरह से कर लिया है पेन से और ये हमने डाल देना इस तरीके से। इस तरीके से ये आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया है इसके अंदर। निकल बहुत मुश्किल से रहा है, तो ये हमने इसके अंदर इस तरीके से डाल दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर जो है डालेंगे आमंड ऑयल, ठीक है। ये आपने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, मीन्स 2 to 3 ड्रॉप्स। आप इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स मिक्स कर सकते हैं, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, जोन सा भी मतलब आपका लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, जोन सा आपका फेवरेट हो आप वो वाला भी इसके अंदर एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर नहीं ऐड करी। अब हमने इन सब चीज़ों को जो है अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप क्वांटिटी में ज़्यादा भी बना सकते हैं, राइट। सो गाइज़, मैंने अपना बॉडी बटर रेडी कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। और आप सोचोगे पहले ये इतना थोड़ा सा था और अब ये इतना सारा हो गया। तो मैंने जो है इसको ज़्यादा बनाया है बाल में ताकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े। और ये अमेजिंग सा बॉडी बटर मेरे पास रहे हमेशा। आप देख सकते हो ये बिल्कुल शॉप वाले बॉडी बटर के जैसे हैं, महंगे महंगे बॉडी बटर से भी अच्छा है और बहुत ही इसकी क्वांटिटी अच्छी है। कितनी स्मूथ सी है, शाइनी सी है, मंगार जस्ट सी इट। जस्ट सी कितनी अच्छी है ना इसकी क्वांटिटी। इस तरह से और जो मेन इसका प्रोसेस है वो यही है, आपने मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो। इसी तरीके से इस तरह स्पून को जो है उल्टा कर कर आपने इसको मिक्स करते रहना है बस इस तरीके से। और फिर आप देखेंगे हमारा बॉडी बटर इज़ जस्ट रेडी। अब इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। मैं आपको अभी इसको लगा कर भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लगा कर आपको दिखाती हूँ। अब ये मेरा बॉडी स्क्रब रेडी है। तो पहले मैं जो है ये बॉडी बटर इसके ऊपर से उतार लेती हूँ सारा, जो इसके ऊपर सारा सा लगा हुआ है। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है ना तो जल्दी से लाइक कर दे, वरना आप लोग भूल जाते हैं और लाइक नहीं करते। लोग देखते हुए भी मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया करें, चैनल अच्छा लगा और सब्सक्राइब कर दिया करें। सो मच थैंकफुल फॉर यू। अब हम अपने बॉडी बटर को लगाते हैं, राइट। तो ये कितना अच्छा सा आपका बॉडी बटर है। सब अपने वॉशरूम में ज़रूर बना के रखिएगा। हमने ये लिया, थोड़ा सा लेते हैं, एक सेकेंड मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। रखा आपने और इसको आपने लगाना है मसाज करते हुए। वेट मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतना मॉइस्चराइजिंग है, ओ माय गॉड। ये मेरे हैंड्स को इतना थोड़ा सा मैंने आपके सामने लिया था, हो सके थोड़ा ज़्यादा हो गया हो। और ये इतना अच्छा मॉइस्चराइज कर देगा, मुझे नहीं पता था। जस्ट सी मसाज करना है आपने अपनी पूरी बॉडी पे एंड जस्ट सी द रिजल्ट। ये मॉइस्चराइज है और ये ड्राई रफ सा पैची सा। सो मस्ट ट्राई दिस अमेजिंग स्क्रब इन योर होम्स एंड मस्ट गिव मी फीडबैक्स। अब मैं आपको दोनों खाती हूँ, ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं भाई। सो खुल जाओ। सो फाइनली खुल गया है और हमारा बॉडी स्क्रब ब्लैक एंड वाइट, हाँ कॉम्बिनेशन। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। इससे मैंने बता दिया है क्या क्या होता है। अब आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, ये वाला बॉडी बटर और बॉडी स्क्रब, बोथ ऑफ इट। सो हम मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें ताकि मैं सक्सेसफुल हूँ यूट्यूब चैनल में। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। ओके, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।